अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, तो आप अपनी बुक और पेन लेके बैठ जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शबे बारात की कुछ बातें बताना चाहती हूँ, तो बुक और पेन लेके बैठ जाए तो ताकि आप ये लिख सकें। तो क्या करना है मैं आपको पहले वो बताती हूँ। मगरिब के वक्त, मगरिब होने वाले रहेगा तो उसके 10 मिनट पहले 100 मरतबा दरुद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद 40 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना है 40 मरतबा, फिर दुआएं करना है। शुरुआत ये करना है, फिर मगरिब की नमाज हो जाने के बाद, और ये आज ही के दिन करना है, आज ही ये दिन आज ही है और आज ही करना है, ये मगरिब बाद ये दिन लगने वाला है। फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान होगी, मगरिब की नमाज अदा करना है। मगरिब की नमाज़ अदा होने के बाद आपको गुसल करना है। गुसल आप करें, गुसल करते वक्त आप बेर के पत्ते, 7 पत्ते आप अपने नहाने में लेना है, और वो पत्ते जो है उसको पानी में उबालना है, और सबके अलग अलग 7 पत्ते जो है वो अलग अलग सबके रहना चाहिए। ये नहीं कि उसी में मतलब सब नहा ले, ऐसा नहीं है। तो उससे आपको जो है ना कि आपको साल भर की जादू तोने से आप महफूज रहोगे। अगर आपको पहले से जादू तोना है तो आप उसका इलाज कराएं, और उसके बाद वाला जो साल रहेगा उससे आपको कभी भी वो जादू तोना नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 रकात नमाज अदा करें, मगरिब बाद नहाना है, मगरिब बाद ही नहाना है। और फिर उसके बाद ये 6 रकात नमाज अदा करनी है। नफिल नमाजें हैं दराज उमर बिल खैर की, दफाए बला की, और मखलूक में मोहताज ना होने की। ये 6 रकात पढ़ना है, दो दो करके पढ़ना है, और हर 2 रकात नमाज के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ना है। तो आपकी ईशा के बाद पढ़े या रात में पढ़े, आप कभी भी पढ़ सकते हो, पर ये रात में ही ये नमाज अदा करनी है। तो आपको रात में नहाना है, मगरिब की नमाज के बाद नहाना है, फिर ईशा की नमाज़ अदा करना है। ईशा की नमाज़ के बाद आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद नफिल नमाज अदा करने के बाद आपको क्या करना है, और हाँ, आपको नहाने के बाद, गुसल लेने के बाद आपको तेल लगाना है, सुरमा लगाना है, कंघी करना है, ये तीनों भी करना है इस दिन। और अगर आपकी फ़र्ज़ नमाजें जो है, कज़ा नमाज जो बाकी है वो अदा करना है। अगर आप उस रात में नफिल नमाज अदा नहीं करना है, जब तक आपकी फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं होगी आपकी नफिल कबूल नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इस दिन की बहुत बरकत आई है, बहुत फजीलत आई है। तो ये दिन आप, कहा जाता है कि ये रात को पूरी इबादत करना है और इस दिन का रोज़ा रखना है, तो इस दिन का आप रोज़ा भी रखें और रात भर आपको इबादत करना है। आपके मरहूम के लिए इबादत आपको बख्शवाना है तो बख्शवा सकते हो, और आपके लिए पढ़ना है तो पढ़ लो, मतलब जितनी हो सके उतनी दुआएं करना है, इबादतें करना है, और उस दिन का रोज़ा भी रखना है आपको। तो आपको मैंने बता दी उस दिन क्या क्या करना है। पहले तो 40 मरतबा लाहौल वाला कूद पढ़ना है, 100 मरतबा दरुद शरीफ पढ़ने के बाद लाहौल पढ़ना है, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करना है, और फिर उसके बाद आपको गुसल लेना है, फिर ईशा की नमाज़ अदा करना है, क्योंकि मगरिब का वक्त थोड़ा ही होता है। तो ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद आप 6 रकात नफिल नमाज पढ़ें, 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने के, उस बीच में एक एक मरतबा सूरह यासीन भी पढ़ना है, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ये 6 रकात पढ़े नमाज, उसके बाद आपको जितनी इबादत कर सकते हो आप करो, दरुद शरीफ पढ़ो, अस्तगफार करो, अल्लाह से दुआ करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ये दिन पे करना है। तो आज ही की ये दिन करना, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी ये चीज़ से महरूम ना रह जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन ये सब करना है। और 40 मरतबा जो मैंने आपको बताया ना लाहौल पढ़ना है, तो उससे आपके 80 साल के गुनाह माफ़ किए जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि मैं तो 80 साल का नहीं हूँ, या नहीं हूँ मैं 80 साल की नहीं हूँ मैं, तो आप जितने भी साल में आपका इंतकाल हो रहा है, या आप 60 साल में मतलब 60 ईयर्स में आपका इंतकाल हो रहा है, तो जो 20 साल आपके बच रहे हैं, तो उसके गुनाह, आपके माँ बाप के गुनाह माफ़ किए जाएंगे। तो इस दिन की बहुत बरकत आई है, बहुत फजीलत आई है, और आप
भी ये दिन से महरूम ना रहे, इस वजह से मैं आपसे ये बात आज शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ मैंने आपको नहीं बताई हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वजह से स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे ये बात शेयर कर दी। तो इंशाल्लाह आप हमारे लिए भी दुआ करें और इस जो कोरोना वायरस चल रहा है इस वजह इसकी भी दुआएं करें। इंशाल्लाह इस दिन के सदके ये ज़रूर कबूल होगी और जल्दी से सब पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, उसल बना रही हूँ और मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर ली, इसलिए फास्ट बता रही हूँ। मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करी, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं रही हूँ। तो मैं इसकी रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इंशाल्लाह ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को और आपको भी बहुत मुबारक हो, ये शबे बारात आपको बहुत मुबारक हो। और इस दिन के लिए ख़ास दुआएं करें अपने मरहूमी के लिए, और रोज़ा भी रखें और दुआएं करें और इबादत करें। और जो न्याज पकाना है इस दिन, मैं चने की दाल की जो बर्फी आती है वो बनाती हूँ, बनाऊँगी मैं, और हम लोग बनाते भी आए हैं, हर साल ये न्याज बनती है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी आपको वीडियो शेयर करूँगी, इस दिन का भी व्लॉग मैं क्या करी वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो मैं इस वजह से इस वीडियो में बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं अगर जब तक मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या करी तो वो दिन गुजर जाएगा और आपको जो मेरे को नॉलेज देना है, मेरी तरफ से जो आपको नॉलेज देना है वो मेरा रह जाएगा। और आपको मेरे को दस मुझे पता है कि आपको सब पता होगा, पर जिसको नहीं पता है मैं उनसे ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। और जो हैज़ वाली औरत है, यानी जिस जो पीरियड्स वाली औरत है, मतलब इस दिन जिसको पीरियड्स आया है, तो ये मगरिब की नमाज के बजाय 70 बार अस्तगफार पढ़े, 70 बार कलमा पढ़े। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको बुक पेन लेके बैठने, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कितना कितना पढ़ना है। तो आप याद रखिए, दरुद शरीफ पढ़े, लाहौल पढ़े, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद बजाय, मतलब उसके बदले में 70 बार अस्तगफार, 70 बार कलमा पढ़े और 69 बार लाहौल वला कुव्वत पढ़ना है और 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये हो गया मगरिब की नमाज के बजाय। और जो 6 रकात नमाज के बजाय आपको पढ़ना है, 11 बार दरूद शरीफ लगाना है, फिर 100 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 100 मरतबा या दाफियल बलायत पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 100 मरतबा या रज़ाकू या अल्लाह पढ़ना है, यानी ये दुआएं करना है और ये वजीफ़ा पढ़ना। उसके बाद आप अपने लिए दुआएं करें और अपने लिए मगफिरत की दुआएं करें और तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तहज्जुद की नमाज़ के लिए तो सोना ज़रूरी है, तो वो फिर नफिल में अदा हो जाएंगी। और अगर आप तहज्जुद की नमाज़ रोज़ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एक नींद ज़रूरी है। तो याद रखें, तहज्जुद के लिए एक नींद ज़रूरी है, उसके बाद ही उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा होगी। अगर आपने पढ़ लिए हो, जागे हो, पढ़ लिए हो, तो वो नफिल में अदा होगी। तो इंशाल्लाह ये दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। यहाँ पे मेरी उसल बन चुकी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे मैं चिकन का सालन बना रही हूँ, मैंने सब एक चीज़ सब ऐड कर दी हूँ। और आज मैं अपने वीडियो के बारे में ज़्यादा बताई नहीं, क्योंकि जो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं चाहती हूँ वो आपसे मैं शेयर कर लूँ। और इस दिन का रोज़ा भी रखें इंशाल्लाह। और यहाँ पे मेरा चिकन का जो मेरे को ऐड करना था वो मैंने ऐड कर दिया। मैंने कई बार चिकन की रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी, इस वजह से मैंने आज शेयर नहीं करी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब दोपहर में ही रोटी वगैरह भी बना लेती हूँ, तो फिर वही मैं बना रही हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए और घर से ना निकले बस, और अल्लाह की इबादत करते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी है वो उससे महफूज हो जाएंगे। और मैंने आपको ज़कात के बारे में भी बताई थी, और उसके बारे में कोई मसला हो तो बता दीजिए मुझे, तो इंशाल्लाह वो उसकी भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी मेरी रोटी बन रही है, दोपहर की रोटी है बना रही हूँ मैं। और मैंने आज खाने में बनाई थी सालन, चावल, चिकन का सालन और चावल, राइस, रोटी और उसल। और दाल थी, दाल नहीं बनाना था इस वजह से नहीं बनाई। तो ये मेरा चिकन का सालन भी रेडी हो गया है, मैंने कई बार आपसे शेयर करी इस वजह से मैंने ये रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ।
तो इसके लिंक मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मेरे भाई ने केक बनाए, मैंने आपसे इसकी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ओरियो की बिस्किट की केक मैंने बनाई हूँ, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसने देख देख के, मेरी वीडियो देख देख के उसने ये केक रेडी किया है, और बस उसने बहुत टेस्टी बनाया था। देख सकते हो आप कितना टेस्टी बना है। और अभी ये शाम का वक्त हो रहा है, तो यहाँ पे मैं चाय लेने के लिए आ गई हूँ, चाय गरम करने आ गई हूँ। दोपहर का टाइम था और मैं खाना वगैरह खा के हम लोग आराम कर रहे थे। अब ये शाम का टाइम है और मैं अपनी चाय लेने आई हूँ, और बस बाहर जाके पीऊँगी। जैसे कि मेरी आदत है, मैं बाहर बैठ के पीती हूँ, और फिर मैं थर्मास में भर दूँगी चाय, क्योंकि फिर थर्मास में बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये मैं उबाल रही हूँ काबुली चने। तो इसका मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो आपको मेरी वीडियो समझ में आई, और ध्यान से आप मेरी ये वीडियो सुनिए और बुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं इसकी बता रही हूँ आपको कितना क्या करना है, पढ़ना है। और जो नमाज जो मैंने बताई हूँ 6 रकात जो है, उसको जैसे ही पढ़ते वैसे ही पढ़ना है, पर बस उसकी नियत अलग अलग है। तो इंशाल्लाह मैं भी आपसे सब शेयर करूंगी कि मैंने क्या करी। हाँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस बारे में मैंने आपको बता दी। और जो भी मैं इबादत वगैरह करती हूँ तो वो मैं जाहिर नहीं करती हूँ, और मैं वो दिखाती नहीं हूँ कि मैं पढ़ रही क्या कर रही हूँ, वो नहीं करती हूँ मैं। तो आज के दिन ये ध्यान से मैं इस वजह से ये वीडियो में ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरी वीडियो वो आएंगी तब तक वो दिन निकल चुका रहेगा, पर फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं आ रहा है उस बारे में बताने का। तो जो इसकी फ़र्ज़ नमाज बाकी है वो पहले अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा करे, या तो फिर किसी की नहीं बाकी है तो नफिल अदा करे। नफिल फ़र्ज़ जब तक बाकी रहेंगी तो नफिल अदा नहीं होगी, तो इंशाल्लाह पहले वो अदा करे। और इसकी बहुत 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 फजीलत है, जितना आप पढ़े उतना कम है। और अल्लाह इस दिन सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। और इस दिन अगर आप से अनजाने में जान के किसी का दिल दुखा है तो माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि इस दिन अपना जो नामे आमाल होता है वो चेंज होता है और फिर दूसरा आता है। इस वजह से सबसे माफ़ी मांग लीजिए और सबसे अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ कीजिए। तो ये नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देना ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। और मैं आपको इस रेसिपी के बारे में बता रही थी तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ली हूँ, और ग्रीन चिली का पेस्ट ली हूँ, और एक अंडा ली हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ढाबे के स्टाइल से जो चना मिलता है, फ्राइड चना रहता है, वो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैदा लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ली, और फिर उसके बाद मैंने ली हूँ सॉल्ट, और चिकन 65 जो मसाला है ना वो डाले। अगर आपके पास नहीं है तो चिल्ली सॉस आता है, रेड चिल्ली सॉस आता है, वो डाले। मैंने सोया सॉस भी ऐड करी हूँ मेरे पास, क्योंकि ग्रीन रेड चिल्ली सॉस नहीं था इस वजह से। और मैंने इसकी चटनी नहीं बनाई, क्योंकि रेड चिल्ली सॉस से चटनी बनाती हूँ मैं, तो वो नहीं मौजूद नहीं थी मेरे पास, इस वजह से मैंने नहीं बनाई हूँ। तो मैंने बस इसी से सोया सॉस से बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन 65 मसाला। अगर मेरे पास चिल्ली सॉस रहता ना तो मैं चिकन 65 मसाला नहीं ऐड करती। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने घर पे मंगा सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं इसको अच्छे से पूरा मिक्स करूँगी। पूरा मिक्स करने के बाद ही चना आपको, चने में मैंने बॉईल करने में मैंने ली थी नमक ही ली थी बस, और कुछ नहीं ली थी। सोडा वगैरह भी नहीं ली थी उसमें मैंने, बॉईल में नॉर्मली बॉईल जैसा करते हैं नमक ऐड करके बस। हल्दी भी नहीं ऐड करी थी, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं लगती है, और रेड चिल्ली, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर जो भी है मैंने वो सब नहीं ऐड करी, क्योंकि हर चीज़ में एक मसाला नहीं लगता है, सब चीज़ अलग अलग भी बनती है इस वजह से। तो ये मेरा जो था वो रेडी हो चुका है, जो मैं इसमें मैरिनेट करने वाली हूँ। इसको कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा रखना है आपको। आप फ़ौरन इसको इसमें मिक्स करके आप फ़ौरन ना तलें,
तो इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आपको शेयर करी थी, और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैंने जब लहसुन फ्राई करी थी ना, तो लहसुन पूरे मेरे घर में उड़ गए थे, क्योंकि जब वो फ्राई होते हैं ना तो उड़ते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम पता नहीं था, पर फिर मैंने उसके बाद ढक्कन ढाक ली थी, उसके बाद फिर मैंने उसको फ्राई करी थी। तो अभी देखो मैं इसको मैरिनेट करने रखूँगी, कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटे तक रखी थी उसको। बस इसको मैरिनेट करके रखना है, ताकि ये काबुली चना जो है इसमें पूरा मिक्स हो जाए। और ये गरम बहुत था, मुझे अटका लग रहा था। और अगर आपको चाहिए तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो, 1 लेमन या हाफ लेमन ऐड कर सकते हो। और बस मेरा मैरिनेट करके हो गया था, और बस अभी मैं यहाँ पे फ्राई करने जा रही हूँ। तो पहले मैं लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन डालते ही आपको है ना, और ढक्कन ढक लेना है, लीड ढक लेना है, क्योंकि ना ये उड़ता है, उड़ेगा तो फिर पूरे घर में उड़ेगा, और ये आप इससे जल भी सकते हो। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लहसुन डालते ही आपका पूरा लहसुन जल जाएगा, खाए नहीं जाएगा आपसे। तो इसको थोड़ा फ्राई करें, फिर उसके बाद अब देखो ये तड़क तड़क के हो गया था, तो मैंने ढक्कन हटा दी। उड़ उड़ के हो गया था इसका, तो मैंने ढक्कन हटा दी, और यहाँ पे मेरा फ्राइड हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जले नहीं थे, क्योंकि मेरा तेल इतना गर्म नहीं था। और आपको साइड में दिख रहा होगा पॉट, अच्छा दिख रहा है ना, वो मस्त लग रहा मेरे को, अच्छा लग रहा है। तो मैंने उधर रख दी, और जैसे मेरी किचन में शो भी आ गया है, तो ये मेरे ना टीवी के बाजू में रहता था। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मेरा ये जो पॉट है वो मैं टीवी के बाजू में रखती थी। अब मैंने यहाँ पे इसको किचन में ला ली, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरे ना जहाँ मैं कप और ग्लास रखती हूँ ना, वहाँ पे भी मेरे प्लांट थे, पर मैंने हटा दी, क्योंकि एक जैसे देख देख के बोर हो गई थी। इस वजह से मैंने घर में पॉट बनाई थी, वो जैसे कि नहीं कि कप वगैरह टूट जाते हैं, तो उसका रीयूज़ करके मैंने ना पॉट बनाई थी। अगर हो सके तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर करें। तो उस तरीके से मैंने घर में उसको डेकोरेट करी थी, वो कप को। तो अगर आपके पास भी ऐसे कप है ना, तो आप भी बना सकते हो अपने घर में ऐसे। और मैंने फिर उसमें जो घर के जो प्लांट्स रहते हैं ना, जो इंडोर प्लांट्स बोलते हैं, वो मैंने उसके अंदर डाल दी थी। तो मेरा लहसुन हो गया फ्राई, अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूंगी। और पहले आप लहसुन ही फ्राई करें, क्योंकि तेल, ये चना फ्राई होने के बाद है ना तेल बहुत गर्म हो जाता है, इस वजह से लहसुन जल जाएंगे। तो लहसुन जल जाएंगे तो कोई भी मतलब नहीं आता उसको खाने का, फेंकने में ही जाते। तो आप इसको एक साथ भी डालेंगे तो भी ये छूट जाते हैं, देखो इसे अलग अलग हो गए हैं। तो अगर आप एक साथ भी डालें, पर थोड़ा थोड़ा ही डालें, पूरा ही नहीं है एक साथ पूरा डाल दिए, वैसा नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डालना है, पर एक साथ पूरा नहीं डालना है। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी अपने घर में रीयूज़ रखा हो, जिससे रीयूज़ कर सकते हो आप, तो आप भी अपने घर में बनाएं। और चलिए मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ये मेरा रेडी हो गया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।